हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं बड़े दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली मैंने कल से स्टार्ट किया, दोबारा मेरे पेपर हो रहे थे तो इसलिए जो है मैं काफ़ी बिजी थी, पर अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। और मैंने जो है अपनी दोस्तों के साथ आज जो है मूवी देखने जाना है। हमारी सोसाइटी के अंदर ही जो है वो सिनेमा है, उसमें हम मूवी देखने जाएंगे, तो वो सारा प्लान है आज हमारा। तो आज जो है वो एक व्लॉग बनाने लगी हूँ। और कल रात की जो वीडियो है वो मैंने 8 बजे से बनाई हुई थी, लेकिन वो इतनी लेट डली है ना, नेट की वजह से वो बहुत लेट डली है। तो आप उसको भी ज़रूर देख लें, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हेयर एक्सेसरीज दिखाई हैं मैंने। तो अब जो है मैं आपको गेट रेडी विद मी दिखाऊंगी आज सारा, जो मैं जिस तरह से अभी तैयार होने लगी। अभी मैंने सिर्फ कपड़े पहने हैं, ये मैंने अपना कुर्ता पहना है, ये इडन रॉब का है, ठीक है। तो अब बस ना मैं लाइट सा तैयार होंगे और तस्वीरें वगैरह भी लेंगे, और जो है हम मूवी देखने जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी, और क्या क्या करेंगे आज वो भी आप सबको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो अब जो है मैंने स्किन केयर नहीं की अभी, तो मैं आपको स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ अपनी। चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे जो है ना मुंह पे यहाँ पे हल्के हल्के से छोटे छोटे दाने निकल रहे थे, तो इसलिए जो है ना मैंने सीरम जो है एक स्किप कर दिया। स्किन केयर को मैंने जो है अपनी चेंज कर लिया है, और वो जो है मैं आपको टॉर्च ऑन करके दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये कैफीन सीरम अपने अंडर आइज़ के नीचे, मैं आपको लगा कर ही दिखाऊंगी, क्योंकि स्किन केयर मैंने आपको दिखाई हुई है। पहले मैंने लोशन जो है वो बदल लिया था, तो मुझे लग रहा है कि मेरी चीज़ किसी चीज़ का रिएक्शन है जो मेरे जो है फेस पर ना, तो इसलिए मैं जो है अब अपनी रूटीन पर वापस आ गई। पहले ये वाला सीरम अंडर आइज़ के नीचे, फिर ये हल्का हल्का सा नायासिनामाइड लगाएंगे हम, ठीक है, दोनों साइड पे अपने फेस के, मतलब पूरा फेस पे लगाएंगे थोड़ा सा। और उसके बाद जो है हम अपना जो है मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और अपने फेस को रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हल्का सा आज क्या जो है चेंज आएगा लुक में। तो स्किन केयर जो है वो मैंने कर ली, और बालों को इग्नोर करें, वो मैंने हाँ कराई हूँ तो मैंने जो है ना बांधे हुए हैं, और स्किन केयर जो है वो मैंने कर लिया। अच्छा, मैं आप लोग को एक और चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि मैं आज जो है ना मेकअप ज़रा एकदम डिफरेंट सा करने वाली हूँ। मतलब फाउंडेशन जो है ना वो हल्की सी लगाऊंगी, लेकिन फाउंडेशन सही वाली लगाऊंगी, ठीक है। वो मैं अब आपको ना बैग नीचे उतार के ना फिर दिखाती हूँ। ये रहा मेरा मेकअप बैग, ये सारा जो बैग है ना, ये यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ है ही नहीं। मैं मानती नहीं हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैंने इस YouTube चैनल पे अनबॉक्स ना की हो। तो ये आपको हर वीडियो जो है ना मिल जाएगी चीज़ की, अनबॉक्सिंग की, रिव्यू की इसी चैनल पर। तो सबसे पहले तो लेंगे अपनी ये फाउंडेशन, ठीक है, हल्का सा ड्रॉप इसका लेंगे और साथ में दूसरी को मिक्स करेंगे। ये मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन के अंदर मैंने O2O की फाउंडेशन डाली है, ठीक है, और इसको जो है मिक्स करके आप फेस पर स्प्रेड करती हूँ। तो फाउंडेशन जो है वो मैंने फेस और नेक पर स्प्रेड कर लिया है, ठीक है, और इसको जो है अच्छे से अब ब्लेंड करने की बारी है। हल्की हल्की सी लगाई है, इतनी कोई ज़्यादा मैंने लगाई नहीं है। तो जो फाउंडेशन है वो डन है, ठीक है। अब जो है ना इस पर हल्का सा ब्लश लगाएंगे, और मैं ना आपको सारी चीज़ें एक साथ लगा के ब्लेंड करके दिखाने वाली हूँ आज, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी और भी मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसीलर लगाएंगे अंडर आई के नीचे, और ब्लश ऑन लगाते हैं O2O का, और उसके बाद जो है हम सेट वेट करके फेस और मस्कारा अच्छे से लगाएंगे, बस दैट्स इट। कंसीलर जो है वो मैंने लगाकर ब्लेंड अच्छे से कर लिया था, तो अब जो है इसको ब्लश ऑन का ब्लेंड करने की बारी है। तो ब्लश ऑन जो है वो मैंने अच्छे से लगाया, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ही लगाया है। अब जो है इधर लगाने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा सा जो कंटूर, और मैं अब जो है उसके साथ ही ना फेस को सेट करने वाली हूँ। कंटूर जो है वो मैंने लगा लिया, ठीक है, और बाद में जो है फेस पाउडर से ये मेबेलिन के सेट करूँगी फेस को, पहले इसको ब्लेंड करूँगी। तो जो है मैंने रेड लिपस्टिक लगा लिया साथ, अभी मेकअप पूरा नहीं हुआ, और आईलाइनर लगा लिया, ठीक है। और अब जो है ना हम अपना फेवरेट जो है इससे टॉप अप करेंगे, ठीक है। ये स्वीट टच का आई शेड है, बेसिकली मैं इसे ब्लश के तौर पर यूज़ करती हूँ, साथ में मस्कारा लगाएंगे पिंक फ्लैश का। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिए। तो जी ये है मेरी फाइनल लुक, ठीक है। आज जो है मैंने आईलाइनर भी अच्छे से लगाया है, मस्कारा भी अच्छे से, मतलब आईज जो है वो प्रोमिनेंट हो रही है, क्योंकि पिक्चर तो अच्छी अच्छी लेनी है। तो अब जो है मैं हेयर स्टाइल बनाने की सोच रही हूँ, तो मैं हेयर स्टाइल बनाकर अब आपको दिखाती हूँ। मेरा ख्याल है कि कोई खुला वाला हेयर स्टाइल ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है हम आ गए थे सिनेमा में, और अभी टाइम था थोड़ा सा, तो हमने टिकट्स वगैरह जो है ना वो यहाँ से बाय कर ली थी। उसके बाद कुछ देर इंतज़ार के बाद हम सिनेमा के अंदर पहुंचे, और यहाँ पर जो है लोग बैठना शुरू हो गए थे। हमने जो मूवी देखी थी वो एनिमी थी, तो सही थी, ठीक है।
और इसके बाद जो है हमारी मूवी स्टार्ट हो गई थी, और मूवी जो है ख़त्म होने से पहले ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि हमें जो है रास्ते में से आइसक्रीम खानी थी। वो उसका शॉर्ट जो है वो मैंने नहीं बनाया। तो मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।